मैं वो राम को गाली देने लगी। एक बोली जीजी अयोध्या नगरी में रिवाज बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। दूसरी बोली कौन सी, बोले सुन ना तीर से होते और ना बल तीर से होते, अब जनकपुरी में लड़का पैदा तीर से होते, जनकपुरी में लड़का पैदा तीर से होते। और ये भाई हमारे अजीत भैया 51 रुपए मुझे स्पेशल इनाम में दे रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे। बोले जीजी अयोध्या नगरी में रिवाज बड़ी बढ़िया है, जब माताएं बहने लड़का पैदा करना चाहती हैं तो खीर खाई लेती, लड़का हो जाते हैं। एक बोली चुप बैठो, बोले भैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, लक्ष्मण परिचय जी साइडो बने बैठे हैं सैडेला, जैसे जब लड़का जाते हैं कलेवा कन्न तो दूसरे पहले ही समझाते थे, तेरी सारी अगर मजाक करे तो तैना उल परी है बीच में, हम बैठे तो हैं जाके लाए का। ठीक ठीक ठीक, तो राम जो लक्ष्मण है वो सैडेला बने बैठे हैं राम के साथ में। अब जब लड़कियों ने गाली दी तो लक्ष्मण पहले ही उल पर गाली गए, भैया ये मेरी माँ को गालियां दे रही है, मैं नहीं सुन पाऊंगा। लक्ष्मण बोले कछु आउट जाते नहीं तो काय को ऐसे ही उल पर थे, ये बैठे रहो चुप सुनते रहो। लक्ष्मण बोले क्यों नहीं आते, ससुराल तुम्हारी है, जाके मतलब ये थोड़ो ये मेरी माँ को गालियां देंगे। हाय बड़े गुस्सा में लक्ष्मण, राम बोले शांत रहो चुप रहो। अरे लक्ष्मण बोले भैया कहे हम तोरे हम ठीक नहीं बैठे। राम कान लगे तो कछुआ तो तयो कछु कह दे है? तो लक्ष्मण बोले सुनो भैया चलो हमारे वहां तो खीर खाएगे लड़का पैदा हो जाता है, लेकिन जहाँ बिटियां कैसे पैदा होती हैं। बोले लक्ष्मण ना चोरी से होती और ना रिता तोड़ के होती, और जा जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होती, जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होती। लाजमार बोले ना जोर से होती ना शोर के होता, जा जनकपुरी में बिटिया पैदा धरती फोड़ के होती है, चलो हमारे वहां तो खीर खाए के पैदा हो जाए, लेकिन जहाँ तो हम मनो जरूरत नहीं है बेटियां पैदा हो जाती धरती भोर के। तब इन लड़कियां शर्माई गई है। अब बड़े आनंद के साथ में राम की शादी हुई है। अब एक दिन दशरथ बोले हैं जनक जी से कि परी समधी अब मुझे चलने की आज्ञा दो। जब इतना कहे कि मुझे चलने की आज्ञा दो, जनक बोले हैं महाराज पूस चैत सुबह जान ना होई, पूस और चैत के महीनों में बहुओं को ले जाना अशुभ बताया गया है, और तासई का तरुको सब कोई। आप थोड़े दिन तक रुको, आप परिचित जी अब तो चाहे पूस हो चाहे चैत हो कछु होए, बहुएं तुरंत गई और तुरंत वापसी है, एक मिनट नहीं रह सकती है। अगर नाई लौट के है तो जे फोन करके कहा तुम जेर पीली तेरी कसम, अगर आई ना सही बताए रे मुंह नहीं दिखा चलिया। बिचारी तो पहले ही तैयार होके पहुंची आती है, लेकिन कुछ दिनों तक मेहमानी खाई, इधर पूछ जाए दसवीं ससवारा सुबह मयंक लगन अनुसारा, दिन सोमवार है सामने चंद्रमा है, दशरथ अपनी बहुओं को लेकर के चले हैं। तो जनक रोने लगे बोले महाराज मेरी बात सुनो कि कछु नाई का तेरी और की तुम्हारी जमा हुआ बादी पति भूले हमारी, तुम्हारी
जनक रो करके बोले प्रभु कछु नाई खातिर कीन गुसाई, मैंने कुछ तुम्हारी खातिर नहीं कर पाई है, छमऊआ बदपति भूल हमारी, आप मेरी गलतियों को माफ कर देना। अब इधर श्री सुखदेव मुनि बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, कि पर बसबिना जनक सही पाई, चले अवधपति संग बजाई, परवस विदा जनक सही पाई, चले अवधपत शंख बजाई। करवा के दिन अपनी बहुओं को लेकर के चल दिए अयोध्या नगरी के लिए। अब अयोध्या में पहुंच गए, राम की बारात इतने दिन रुकी थी जनकपुर।